लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो पंजाब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। राजनीति में जाति पर जंग होना बहुत आम बात है, मगर इस बार हमारे देश के नेताओं ने इस जाति के युद्ध में हनुमान को भी खींच लिया। हनुमान जी को पहले दलित बताया गया, फिर SC ST आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें आदिवासी वनवासी का सर्टिफिकेट थमा दिया। कांग्रेस विधायक राजा वाडिंग ने अपना नया हनुमान चालीसा लिख डाला। कांग्रेस के गिद्दड़बाहा से विधायक राजा वाडिंग ने अपने तरीके से हनुमान चालीसा लिख डाली। ये हनुमान चालीसा सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने हनुमान चालीसा को अपने ट्विटर के जरिए पोस्ट भी कर डाला। पोस्ट करते ही राजा वाडिंग का हनुमान चालीसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो धनेंद्र भारद्वाज कांग्रेस नेता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। धनेंद्र साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जिस तरीके से सियासत चली है भगवान हनुमान की जाति को लेकर, क्या अब इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है, क्या माना जाए इसे? देखिए निश्चित तौर पर भगवान हनुमान के बारे में जिस तरीके से बातें चल रही, हम तो कहते निंदनीय है, भगवान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए ना भगवान को किसी जाति विशेष से जोड़ना चाहिए। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरीके की हरकतें करी जी, और जो वाकई में शर्मनाक हैं। और स्वयं योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी बताते हैं, जो मुख्यमंत्री भी है, एक संवैधानिक पोस्ट पे भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी है, जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। और उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको फॉलो करना शुरू करा, किसी ने हनुमान जी को दलित बताया, किसी ने हनुमान जी को आदिवासी बताया, किसी ने उनको मनुवादी बताया। ये भगवान को जाति में बांटना बिल्कुल गलत है। हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं और हम ऐसे तमाम राजनीतिक लोगों से ये उम्मीद भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं, उनसे एक आह्वान भी करते हैं। धनेंद्र भारद्वाज साहब, राजा वाडिंग के ट्वीट जो उन्होंने किया है हनुमान चालीसा बनाकर, देखिए राजा वाडिंग ने जो भी ट्वीट करा है वो ट्वीट उन्होंने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया है जी। और उनको लगा, उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट आई, कहीं ना कहीं उनको लगा, उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया, उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है, तमाम लोगों से निवेदन है कि इस ट्वीट को इश्यू ना बनाया जाए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया है जी। धनेंद्र जी जुड़े रहिए, महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। मैन साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरीके से आजकल राजनीति में जाति को लेकर भगवान को भी घसीटा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी अभी पंजाब की सियासत से भी इसी तरह की एक घटना कहेंगे जो सामने आई है। कांग्रेस के एक विधायक राजा वाडिंग है, उन्होंने एक हनुमान चालीसा का अपना ही वर्जन ट्विटर पर अपलोड कर दिया। देखिए मैं तो केवल इतना कहूंगा, भगवान महापुरुष सबके हैं जी, इनको कम से कम जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद में महापुरुषों को और भगवान को कम से कम हम न बांटें। वो आराध्य हैं, जो भी किसी क्षेत्र में किसी परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ है, हनुमान जी की जो प्रार्थना करेगा उसके मनोकामना पूरी होंगे, वहाँ कोई जाति की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी सबके हैं और सबके लिए हैं, हम सब हनुमान जी के हैं जी। लेकिन इस तरीके से राजनीति में उनकी जाति को घसीटना, क्या ये जायज है? नहीं बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, कहीं भी उचित नहीं है, हमारी परंपरा भी नहीं है। मैं किसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, किसी क्षेत्र में काम करते, सबसे विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार से अपने आराध्य, अपने इष्ट और महापुरुषों के लिए हल्के शब्दों का या सीमित शब्दों का प्रयोग न किया जाए। हनुमान जी सभी जातियों के, मानव मात्र के हैं, हनुमान जी सबके हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं जी। जिस भाव से जो व्यक्ति आराधना करता है, हनुमान जी सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं, वहां जाति की बात नहीं। महंत नवल जी बने रहिए हमारे साथ, हरपाल चीमा जी भी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल चीमा साहब, राजा वाडिंग कांग्रेस विधायक, उन्होंने हनुमान चालीसा का अपना ही वर्जन ट्विटर पर अपलोड कर दिया, वो भी इस हनुमान जी के जाति को लेकर जो सियासत हो रही है उस युद्ध में कूद पड़े हैं, किस तरीके से देखेंगे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये धर्म का अपमान है, ये लोगों के भावनाओं से वो भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जब भी इलेक्शन आती है ये लोग धर्म को का दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते, धर्म का दुरुपयोग करके लोगों के भावनाओं को भड़काते हैं। कभी इन लोगों के एजेंडे पे कभी लोग नहीं है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं है, कभी ये नहीं कहते कि इतनी फैक्ट्रियां लग गई इतनी नहीं लगी जी, कभी ये रोजगार की बात नहीं करते, कभी लोगों के बेसिक मामलों की बात नहीं करते, हर बार ये धार्मिक मामले
को भड़का के उन लोगों को लोगों के भावनाओं को लूटते हैं। इनके इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि और इनको सजा होनी चाहिए ताकि जो आगे से ऐसे बयान ना आने। चीमा साहब क्योंकि गणेंद्र भारद्वाज जी भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यह कहना है कि राजा वडिंग को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी नेताओं जिन्होंने इस तरीके से हनुमान जी की जाति को लेकर अपने अपने वर्जन दिए हैं उसको गलत बता रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अब इस ट्वीट के बाद राजा वडिंग को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी मांगने से काम नहीं होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और लिखकर उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर डालते हैं, ये तो बहुत बड़ी संगीन अपराध है। उनके खिलाफ लोगों की भावनाओं पर खाने के धर्म की भावनाओं को भड़काने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि जो आगे और ऐसे जो बेवकूफ नेता है मैं कहना हूँ उनको सब मिल सके। जी गणेंद्र भारद्वाज साहब जवाब दीजिएगा। जी मैंने पहले ही कहा है कि देखिए राजा बराड़ जी का जो ट्वीट है अगर किसी ने देखा हो वो उन्होंने ट्वीट नहीं लिखा, उनको व्हाट्सएप से कोई मैसेज आया वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला जी। उसके बाद उनको लगा कि शायद उन्होंने गलत करा, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब राजा बराड़ के ट्वीट को इश्यू मत बनाओ। अब मेरा तो तमाम लोगों से कहना है कि जब राजा बराड़ जी को गलती का एहसास हो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से और मैं आरएसएस के लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि भगवान राम को आप राजनीति में मत लाओ, भगवान राम को जाति में मत बांटो, भगवान भगवान है, वो सबके भगवान है जी। नहीं तो आप इन तर्कों पर तो सर बीजेपी नेता भी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। सर जो तर्क आप दे रहे हैं इन तर्कों पर तो बीजेपी नेता भी अपना पल्ला झाड़ लेंगे। एक तरफ आप जाति का जहर खोलकर सियासत में आग लगा दें, दूसरी तरफ आप ये कह दें कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा बराड़ ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज तक माफी नहीं मांगी जी। योगी उनके पार्टी के तमाम नेताओं ने मांगी, किसी ने कोई आदिवासी बताता उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, खेत तक प्रकट करा। राजा बराड़ ने कांग्रेस संस्कृति का परिचय देता अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया जी। अब उसको मुद्दा ना बनाया जाए। सर पहले आप भी माफी मांगिए ना, आप भी माफी मांगिए। पहले तो योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे, सबसे पहले हनुमान जी को राजनीति में घसीटने का और जातिवाद में घसीटने का काम योगी आदित्यनाथ ने करा है, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को किसी जाति का नहीं चाहता। चलिए वापस लौटूंगा आप लोगों के पास, वापस लौटूंगा इस बीच। दलितों के बीच में रह करके वनवासियों के बीच में रह के काम किया है जी। चलिए लौटूंगा आपके पास वापस। इस बीच गुरजिंदर सिंह सिद्धू अकाली नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। गुरजिंदर साहब बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरीके से राजा वड़िंग ने अपने ट्विटर पर हनुमान चालीसा का अपना ही वर्जन एक लॉन्च कर दिया है, उसी सियासी युद्ध में वो कूद पड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, किस तरीके से देखते हैं? क्या भगवान का अपमान करने में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं? गुरजिंदर साहब देखो जी, ये हनुमान जी हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही राम भगत थे, उनको इन बातों में जीतना मेरे ख्याल है बिल्कुल फालतू की बात है। भगवान है ये नहीं है। और ये जो राजा बड़िंग है एक्चुअली ये अपना इनको जो मेरे हिसाब से इनका दिमाग खराब हो चुका है जी, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े पदों के ऊपर कांग्रेस ने इनको तैनात किया है जी, जो बहुत गलत है जी, इनको कोई राजनीतिक तजर्बा नहीं है जी। तो आप क्या चाहेंगे कि कांग्रेस या राजा वडिंग माफी मांगे इस पर? क्योंकि हरपाल चीमा जी कह रहे हैं माफी से काम नहीं चलेगा, हरपाल चीमा जी कह रहे हैं माफी से काम नहीं चलेगा, ऐसे नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए जी। जब ये हमारे दो नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उसका राजीव गांधी के मुंह के ऊपर उन्होंने काल फेंक दिया था तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो इनके ऊपर क्यों नहीं? जो इतने बड़े महान जो भगत हैं राम के श्री हनुमान जी उनको इतना भद्दा बोल रहे हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं पर्चा दर्ज होना जी? योगी आदित्यनाथ पर भी मुकदमा दर्ज करने की वकालत करेंगे आप? योगी जी ने की बोला है ये मेरे को पता नहीं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था। नहीं, जिन जिन लोगों ने धर्म का अपमान किया है, जिन जिन लोगों ने हनुमान जी का अपमान किया उनके खिलाफ 295 ए धारा का आईपीसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि आगे से कोई ना बोल सके। वनवासी दलितों के बीच में रह के काम किया जो हनुमान जी को लेकर जाति की सियासत छिड़ी है। गुरजिंदर साहब शुरुआत उसकी बीजेपी से हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
नहीं देखो जी, ये योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कोई बात बोली है तो उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। हम मैं चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी उसके ऊपर एक्शन ले जी, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही सत्कार जो एक धार्मिक रहे हैं और बहुत उनको हम गॉड गॉड मानते हैं जी, और उनकी तौहीन में अगर कोई किसी ने गलत अपशब्द बोला तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो जी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे राजा पिंडेंगे, कोई भी हो, वो हमारे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। धनेंद्र साहब, क्योंकि मैं तो इस बात के वो मानता हूँ। गुरजिंदर साहब कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या राजा वड़िंग पर भी कार्रवाई होगी, माफी मांगेंगे आप? देखिए मैं कह रहा हूँ कि राजा बरार साहब ने जो ट्वीट करा था वो एक व्हाट्सएप से उनको मैसेज आया था जी, वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला जी, बाद में उनको उनकी गलती का एहसास हुआ तभी उन्होंने ट्वीट डिलीट करा है जी, उनको किसी मीडिया के साथी ने नहीं कहा, उनको किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा, उन्हें खुद लगा कि उसका मतलब वो अनपढ़ है, उनको नहीं पता ट्विटर कैसे चला रहा है, वेरी गुड, कैसे बात कर रहे हैं आप, धनेंद्र साहब जो बोल रहे हैं क्या इन तर्कों से इस गलती से बचा जा सकता है, भगवान का जो अपमान हुआ है क्या इन तर्कों के आधार पर उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए निश्चित तौर पर इन चीजों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु सब एक है, और ये तो राजनीतिक लोग, कई लोग घटिया राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये योगी आदित्यनाथ टाइप के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले जो जिस तरीके से भगवान को राजनीति में घसीटते हैं। राजा वाड़िंग ने एक SMS आया, उस SMS को उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाला कर दिया जी। लेकिन लेकिन सर मुझे ये बताइए, जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी दौरों में मंदिर मंदिर घूमते हैं, तो फिर एक बार राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे पर उतर जाते हैं, क्या इसी तरह की सियासत हो रही है हनुमान की जाति को लेकर भी? देखिए कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, राहुल गांधी जी का मंदिर जाने का उनका अपना अधिकार है, वो उनका पर्सनल मैटर है, उन्होंने कभी मंदिर को राजनीति का इशू नहीं बनाया, मंदिर को राजनीति का इशू हमेशा भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाया है सर, हमने कभी राजा वड़िंग का ट्विटर हैंडल भी तो उनका पर्सनल है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर के नाम पे उनको एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, उन्होंने ट्विटर पर उसको अपलोड कर दिया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा कि नहीं रखना होगा? हाँ निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि जो आदमी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो आदमी राजनीति के क्षेत्र में, उनको इन चीजों से बचना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन राजा बरार साहब ने जो अपना ट्वीट था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ देना चाहिए, इस मुद्दे को ज्यादा राजनीतिक हवा नहीं देनी चाहिए। भगवान का अपमान लगातार सियासी हलकों में होता रहे और आम जनता ये समझ ले कि सिर्फ गलती हो गई और आम आदमी को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता रहे कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। भारद्वाज साहब जी, मैंने अगर आपने राजा बरार साहब का अगर ट्वीट देखा होगा जी, राजा बरार साहब ने वही जो उसमें ट्वीट में जो लिखा हुआ है वही बातें लिखी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, उन्होंने उस ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास करा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो भी गलत था, उनको अपनी गलती का एहसास होना, आप कंडेम कीजिए ना सर, कंडेम कीजिए, अगर गलती हुई है तो माफी मांगिए और आगे बढ़िए। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि गलती हुई है, जब भी तो उन्होंने ट्वीट डिलीट करा है, और अब मैं तो कह रहा हूँ चाहे राजा बराड़ हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे उदित राज हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी को भी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। चलिए चलिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। गुरजिंदर साहब कम शब्दों में जी क्या जवाब देना चाहेंगे? देखो इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति में धर्म को नहीं लेना चाहिए जी, क्योंकि राजनीति बिल्कुल झूठ का प्लंबर। क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? गुरजिंदर साहब क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए अगर उन्होंने उनके खिलाफ। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त मेरे पास कम है। हरपाल चीमा साहब आप जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धनेंद्र भारद्वाज कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और गुरजिंदर साहब अकाली नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल होने वाले पंचायत चुनाव में अब नेता पुलिस अधिकारियों से तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल पंजाब में पंचायत चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों से दबाव डालकर अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटने की बात करा रहे हैं। कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला डेहलो थाना अंतर्गत, जहां एक महिला उम्मीदवार के पति को SHO साहब धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान से हटा ले वरना उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिसका ऑडियो पीड़ित परिवार की तरफ से वायरल भी की गई। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।